बच्चों यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है बेटा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस जिसका आपको CP/CV का रेशियो गिवन है, इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 एंड दिस इज कल टू V1/16। इट इज देन अलाउड टू एक्सपेंड आइसोबारिकली टू वॉल्यूम 2 V2 If all the processes are the quasi-static, then the final temperature of the gas is nearest to the integer. ठीक है, अब देखो इसमें बेटा T1 आपको गिवन है एंड T1 इज इक्वल टू कितना है 300 केल्विन। सो CP/CV का रेशियो 1/4 कितना है बेटा 4 है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा 1, ठीक है। एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम इज कल टू दिस इज V1, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है V1 है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम जो कितना है एंड दिस इज V1/16, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। सो हम जानते हैं बेटा एडियाबेटिक में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन, सो दिस इज T1 V1 के पावर γ-1 इज कल टू T2 V2 पावर γ-1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो दिस इज कल टू 300 इंटू V1 के पावर 1.4 माइनस 1 इसकल टू T2 इंटू V1/16 के पावर 1.4 माइनस कितना हो जाएगा 1। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो T2 इसकल टू, ठीक है, क्योंकि देखो V1 के पावर 1.4 या इधर भी है V1 के पावर 1.4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली आ जाएगा 300 इंटू जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा बेटा इसका 300 इंटू 2 के पावर 8/ कितना आ जाएगा 5। अगर ये आता है बेटा, ठीक है, तो दिस इज लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसको निकालना तो मुश्किल काम है, 8/5 रहने दो यहीं पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कह रहा है कि गैस इज एक्सपेंडेड आइसोबारिकली, फिर से वही फाइनल वॉल्यूम कितना, सो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1/16 एंड फाइनल इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ तक तो प्रोसेस आया एडियाबैटिक से, अब कह रहा है कि एडियाबैटिक के बाद आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है। सो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया था इसके लिए आइसोबारिक के लिए, सो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1/16। नाउ फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज V3 एंड V3 इज इक्वल टू बोला डबल हो गया वॉल्यूम, तो 2 × V1/16 कितना 16, सो दिस इज इक्वल टू V1/8। सो आइसोबारिक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर कांस्टेंट, द वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो V2/T2 इसकल टू V1/ कितना T1, सो दिस इज कल टू V2/T2 एंड T2 इज कल टू हमने निकाल रखा है 300 इंटू सॉरी ये V3 T3 ना, क्योंकि थर्ड वाला प्रोसेस में जा रहा है वो, सो 300 इंटू 2 टू पावर कितना आ गया, ये देखो 8 के पावर 5 एंड दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा दिस इज कल टू V3 इज कल टू कितना, तो V3 इज कल टू V3 की अगर वैल्यू पुट करें तो 2V2 एंड 2V2 डिवाइडेड बाई कितना दिस इज T3 एंड V2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया बेटा, सो दिस इज कल टू T3 इज कल टू यहाँ से बच जाएगा 600 इंटू 2 के पावर 8/ कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से 2 या फिर बेटा अगर जैसे ये 300 था ना इंटू 2 इंटू 2 के पावर कितना 8/5, तो अगर इस 2 को इसके साथ लेके चले जाओगे तो पावर 8/5 + 1 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा 302 इंटू कितना हो जाएगा 13/ कितना 5। सो दिस इज कल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर जो है बेटा 1818.85 आंसर, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। और T3 इज कल टू अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हैं कि 1819 केल्विन आ जाएगा, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे ले रहे हैं बेटा एक और क्वेश्चन जेई मेन का कि एन इंजन टेक्स इन 5 मोल्स ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM एंड कंप्रेसेस इट एडियाबेटिकली टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, अज्यूमिंग एयर टू बी डायटोमिक आइडियल गैस मेड अप ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल्स, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कम्स आउट टू बी X kJ, the value of x to the nearest integer is। तो देखो बेटा एयर जो है वो डायटोमिक है, सबसे पहली बात कि एयर इज डायटोमिक गैस, एयर कैसा है बेटा डायटोमिक गैस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना है 5।
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। सो स्पेसिफिक हीट का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1+2 अपॉन कितना हो जाएगा एफ। सो दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 5। क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला बेटा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया हो, लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप 12th में हैं ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है बेटा यहाँ पे ठीक है 5 होता है डायटोमिक गैस के लिए ठीक है, 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशन, टोटल 5 हो जाता है। और वाई इज इक्वल टू जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो है वाई ठीक है, ये तो 1+2 अपॉन एफ होता है बेटा। सो एंड आल्सो गिवन है कि वी आई एंड वी आई इज इक्वल टू कितना है वी, एंड वी एफ इज इक्वल टू गिवन है बेटा वी अपॉन 10 हो गया है, गिवन है आपको यहाँ पे ना देखो वी अपॉन 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वी अपॉन कितना हो गया 10। इनिशियल टेम्परेचर बेटा 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है, एंड इसको अगर कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 270+20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 293 कितना हो जाएगा कैल्विन। फॉर एडियाबेटिक चेंज बेटा टी वी टू पावर गामा -1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा कॉन्स्टेंट। सो T1 V1 के पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा माइनस कितना हो जाएगा 1। सो 293 इंटू वी के पावर 7/5 -1 इक्वल टू TF इंटू वी अपॉन 10 के पावर 7/5 माइनस कितना हो जाएगा 1। सो व्हाट इज TF बेटा, तो TF इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा बेटा 293 इंटू 10^2/5 कैल्विन। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है बेटा, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू n इंटू एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू r इंटू आपका यहाँ पे हो जाएगा TF - TI, दिस इज द फार्मूला एंड डिवाइडेड बाई कितना है 2। सो अगर सबकी वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे, सो दिस इज n इज इक्वल टू कितना है 5, n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5 लेंगे हम ठीक है, क्योंकि बोला है 5 मोल गैस है इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू आर की वैल्यू गिवन नहीं है कोई बात नहीं, तो 8.3 होता है ना, तो या तो उसको 25/3 भी ले सकते हैं हम इनटू 293 इनटू 10^2/5 माइनस दिस इज 293 डिवाइडेड बाई कितना 2। जब इसको आप सभी को कैलकुलेट करोगे बेटा, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका यहाँ पे 4 किलो जूल आंसर आएगा। सो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था वो एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स किलो जूल आएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जेई मेन का हम ले रहे हैं, इसमें है कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6। When the temperature of the sink is reduced by 62 degree Celsius, its efficiency is double. The temperature of the source and the sink are respectively. ठीक है, so what is efficiency? So efficiency is equal to 1 minus, this is T2/T1. ठीक है, 1 - T2/T1. So efficiency अगर बेटा 1/6 होता है, so this is 1/6 is equal to 1 minus, this is T2/T1. सो दिस इज इक्वल टू T2/T1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 ठीक है। तो फाइनली इफिशेंसी इज डबल्ड हो जाता है बेटा ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस। अगर 62 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर, इफिशेंसी क्या होता है डबल, तो इफिशेंसी डबल मतलब कितना, इफिशेंसी 1/6 था तो 2/6 हो जाएगा, सो दिस इज 1/3 हो जाएगा इफिशेंसी ठीक है। तो सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, सो सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा, से दिस इज पहले था आपका टेम्परेचर T2, तो T2 - 62 हो जाएगा। सो एफिशिएंसी, नाउ द एफिशिएंसी इज 1 माइनस, एंड इसको अगर हम T2 मान ले, टी सिंक का जो है इसके टेम्परेचर को T2 मान ले, हम क्या लिखेंगे 1 - T2 अपॉन, अच्छा जो आपका फाइनल टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर था, मतलब कि जो सोर्स का टेम्परेचर था, वो सोर्स का टेम्परेचर आपका चेंज नहीं किया, सोर्स का टेम्परेचर वही है, सो दिस इज इक्वल टू T1। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, तो व्हाट इज T2, सो दिस इज T2 - 62 एंड डिवाइडेड बाय कितना T1। सो दिस इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें बेटा हम यहाँ से, तो T2 - 62 एंड डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 3, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा
सो दिस इज 2/3। सो व्हाट इज t2 अपॉन t1? तो अगर हम यहाँ से बेटा ऐसे कर लें इसको, दिस इज t2 अपॉन t1 माइनस 62 अपॉन t1 इसकल टू कितना? सो दिस इज इक्वल टू 2/3। सो बेटा यहाँ पे t2 अपॉन t1 हमने ऊपर ला रखा है, ये देखो ला रखा है ना, t2 अपॉन t1 इसकल टू 5/6, उसकी वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इज 5/6 माइनस 62 अपॉन t1 इसकल टू 2/3। सो दिस इज 62/t1 इसकल टू 5/6 माइनस 2/3। सो दिस इज इक्वल टू 6, सो 5 माइनस 4, सो दिस इज 1/ कितना हो जाएगा 6। सो व्हाट इज t1 बेटा? तो t1 इसकल टू हो जाएगा 6 × 62, सो दिस इज 372 कैल्विन होगा बेटा ये। सो डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करोगे इसको तो t1 इसकल टू 372 माइनस 273 करना पड़ेगा, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड t2 का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सो t2 इज इक्वल टू 5/6 × t1, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 310 कैल्विन। और अगर इसको कन्वर्ट करोगे बेटा उसमें तो 310 माइनस 273, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द आंसर। सो t1 इज इक्वल टू 99 एंड t2 इज इक्वल टू 37, 99 37, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।